हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आज के सेशन के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। जैसा कि आपको टॉपिक दिख भी रहा है, एग्जाम कब होगा, ठीक है, इसके ऊपर काफी सारे बच्चों को डाउट रहा है और कन्फ्यूजन है कि सर आपका बोर्ड का एग्जाम, 10th 12th बोर्ड का एग्जाम कब होगा, या फिर सर जेई का एग्जाम कब होगा, नीट का एग्जाम कब होगा, या फिर जो स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सबके एग्जाम्स कब होंगे, है ना। तो आज की वीडियो के अंदर आपको ये सारा जो आपका डाउट है ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, मतलब 10th एंड 12th बोर्ड के लिए ये कब होंगे या कब पॉसिबिलिटी है, कब होने वाला है और क्या सिलेबस वगैरह है, सबकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है वो कब होगा उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहला इसका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस क्या फर्दर हमने रिड्यूस करा है, जो 2021 की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सेशन क्या है 2021, इसके लिए हम ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस ऑलरेडी सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है 30% तक। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि सिलेबस में नो रिडक्शन, क्योंकि ऑलरेडी 30% रिड्यूस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का वो ऑलरेडी 30% उन्होंने रिड्यूस कर चुका है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि फर्दर रिडक्शन सिलेबस में नहीं होगा। जो ऑलरेडी रिड्यूस हुआ है वही रिडक्शन रहेगा, उसके अलावा रिडक्शन नहीं होगा। क्या रिडक्शन हुआ है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग वहां जाके वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, इन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स है इनके बारे में क्या कहा गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन्होंने बोला है जब स्कूल खुल जाएंगे, मतलब जब स्कूल रीओपन होंगे तब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब स्कूल कब भी रीओपन हो सकते हैं, जनवरी में हो सकते हैं, फरवरी में हो सकते हैं, तो उसके बाद ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स को क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे। वरना इन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर इन केस रीओपन नहीं होते हैं स्कूल, तब इन्होंने एक अल्टरनेटिव बोला है कि कुछ अल्टरनेटिव सोचा जाएगा। अब क्या होगा वो तो हमें नहीं बताया इन्होंने, किसी को नहीं पता है। बस कहा गया है कि इनकेस अगर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते हैं तो आपके लिए क्या सोचा जाएगा, कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचा जाएगा। अब वो अल्टरनेटिव क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये उनको भी नहीं पता अभी तो फिलहाल, है ना। तो हाँ, बस हम ये अपना आइडिया से लगा सकते हैं कि अल्टरनेटिव क्या कहा जाएगा। जैसे आप लोग के जो यूनिट टेस्ट हुए हैं, जो आप लोग के प्री बोर्ड्स हुए हैं, उनके बेसिस में ये आपकी टीचर आपको डेफिनेटली जानता होगा। 9th में आप उसके साथ पढ़े हो, 11th में आपको पढ़ाया है उसने, तो आपको जानता होगा कि आप किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हो, क्या आपका कैपेबिलिटीज है, है ना। उसके बेसिस में वो आपको मार्क्स दे सकता है, आपके जो यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड्स के बेसिस में वो आपको मार्क्स दे सकता है। जस्ट मेरा आइडिया है, ठीक है। बाकी क्या अल्टरनेटिव होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो इन दोनों में से एक चीज हो सकती है। क्लियर होगी बात कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में क्या होगा और कैसा रहेगा, ठीक है। 13th जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम्स होंगे वो क्या होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। और एक टेस्ट सेंटर डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे उनको, तो सीबीएसई ने टेस्ट सेंटर बनाया है। और एक क्लास में उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया उसमें बोला है कि केवल 12 स्टूडेंट्स बैठेंगे। केवल कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे भाई, 12 स्टूडेंट्स ही बैठेंगे एक क्लास में, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट थिंग, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न के लिए उन्होंने ऑलरेडी सीबीएसई की साइट में आप लोग जा सकते हैं, cbse.nic.in में जा सकते हैं, उनका जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सैंपल पेपर में उन्होंने ऑलरेडी अपना फॉर्मेट या पैटर्न दे रखा है, ठीक है। तो आप सीबीएसई की साइट में जाके सैंपल पेपर सॉल्व कर लें। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है। सब बच्चों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सीबीएसई की साइट में जाके सैंपल पेपर को डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लो, जो जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जिसको नहीं मिल रहे हैं सैंपल पेपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिए लिंक भी शेयर करा है। वो लिंक को आप ओपन करोगे डायरेक्टली आप सीबीएसई की सैंपल पेपर की जो पेज है उसमें आप पहुंच जाओगे, और वहां से तुम्हारा जो जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उनको सॉल्व भी करना है और उनका पैटर्न भी देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको करे बिना एग्जाम में मत जाना, क्योंकि अगर तुमने सैंपल पेपर करे सीबीएसई के तो मान के चलो कम से कम वहां से क्वेश्चन फंसना ही है, ये श्योरिटी है, ठीक है। तो बिना सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्व करके एग्जाम अटेम्प्ट मत करना,
अटैम्प्ट करोगे सॉल्व करके, तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग सीबीएसई की साइट में पहुँच के सैम्पल पेपर वाले पेज में पहुँच जाओगे और जो जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उनको सेलेक्ट करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पेपर, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, एग्जाम डेट, एग्जाम होगा कब, ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डेट उन्होंने अभी तक कोई डिस्क्लोजर नहीं करी है। अब जनरली एग्जाम हमारे फेब मार्च में होते हैं, है ना, फेब और मार्च के बीच में हमारे सीबीएसई के एग्जाम होता है, पर अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है। उन्होंने बोला कुछ टाइम वेट करो, कुछ टाइम के बाद हम आपको एग्जामिनेशन डेट बताएंगे। पर अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम होगा अप्रैल से पहले बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये उन्होंने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। ये मेरा अंदाजा है क्योंकि उन्होंने अभी तक सीबीएसई की साइट में, सीबीएसई का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया एग्जाम से रिलेटेड अभी फिलहाल, ठीक है। तो आप लोग इधर उधर कोई भी कुछ कह रहे हैं तो उसमें बिलीव मत करना कि जनवरी में होंगे, फेब में होंगे, मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे। मैं भी एक आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ कि अप्रैल से पहले नहीं हो सकता है, नहीं होगा एग्जाम। अब ऐसा क्यों मैं आइडिया लगा रहा हूँ इसको रीजन भी आगे दूंगा मैं, ठीक है, इसका रीजन आगे दूंगा अभी की वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। तो इतनी बात क्लियर होगी सीबीएसई 10th और 12th से रिलेटेड की सिलेबस को 30% रिड्यूस ऑलरेडी हो चुका है, फर्दर रिडक्शन नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम जब स्कूल या कॉलेज रीओपन हो जाएंगे उसके बाद होंगे। इनकेस रीओपन नहीं होता है स्कूल तब कोई अल्टरनेटिव सोचा जाएगा, अल्टरनेटिव क्या होगा वो आपको आगे बताया जाएगा और क्या क्या हो सकता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एग्जाम ऑफलाइन होगा और एक क्लास के अंदर 12 स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसके लिए आप लोग सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से, या फिर मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आप खोलेंगे तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट सीबीएसई के अंदर है सबका आपको मिल जाएंगे सैंपल पेपर, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग के लिए, ठीक है। और एग्जाम डेट अभी तक इन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं करी है, पर अकॉर्डिंग टू मी अप्रैल से पहले नहीं होंगे, इट विल नॉट कंडक्ट बिफोर अप्रैल, ठीक है। ऐसा क्यों तो आगे बताता हूँ, क्लियर होगी पहली चीज। तो सीबीएसई की बोर्ड के बारे में पता चल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम क्लियर है। महाराष्ट्र के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ऑलरेडी कह चुका है कि जो हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे इट विल नॉट बिफोर मे, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी बोल चुका है, क्लियरली बोला है नॉट बिफोर जो एग्जाम होंगे, सॉरी एग्जाम होगा नॉट बिफोर मे से पहले एग्जाम नहीं होगा 2021, ठीक है। 2021 मई से पहले एग्जाम नहीं होगा, ये ऑलरेडी इनके जो महाराष्ट्र के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने कह दिया है। तो यहां से मैंने ये आइडिया लगाया कि भाई अगर एक स्टेट में एग्जाम मई में हो रहा है, सपोज एक स्टेट में अगर एग्जाम मई में हो रहा है, दूसरे स्टेट में भी अगर महाराष्ट्र अपना स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन मई में कनेक्ट करा रहा है, तो सोचो बिहार, यूपी, अलग अलग जितने भी स्टेट हैं सारी उसी अप्रैल मई के बीच में कनेक्ट कराएंगे। तो अगर सब जगह सारे बोर्ड्स के पेपर मई के टाइम होंगे तो भाई सीबीएसई तो अपना पेपर मई के टाइम ही कराएगा ना, अप्रैल मई के बीच ही कराएगा, वो जल्दी नहीं कराएगा क्योंकि बाकी बच्चों को टाइम मिलेगा तो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, बात समझ लो। तो इस लॉजिक का यूज करके, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि मई से पहले पेपर नहीं होने वाला है महाराष्ट्र बोर्ड के, इस लॉजिक को लेकर मैंने यहाँ पर लिखा है कि सीबीएसई के पेपर भी अप्रैल से पहले नहीं होंगे। ऑल दो सीबीएसई को डिक्लेयर करना अभी रहा है तो कुछ 10-15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन आ जाएगी कि सीबीएसई के एग्जाम कब होने वाले हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने एजम्पशन लिया था, एजम्पशन इसके बेसिस में लिया था क्योंकि जनरली जो पेपर होते हैं वो विद इन वन मंथ के डिफरेंस में ही सब जगह होते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे 2018 में या 2017 में जो भी एग्जाम हुए हैं मार्च अप्रैल फेब के बीच में ही सारे के सारे बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन और नेशनल बोर्ड्स हैं उन सबके एग्जाम्स की डेट चौधरी तकरीबन सेम ही रहती है, क्लियर हो गया। ओके नाउ सेकेंड थिंग, इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस बाकी सब चीजें सेम है, बाकी जो चीजें यहां पर दी गई हैं वो सब चीजें यहां पर भी है। सिलेबस में भी नो फर्दर रिडक्शन जो ऑलरेडी रिड्यूस हुआ है अभी फिलहाल वही रहेगा, बाकी जो भी यहां लिखा गया है वो सब कुछ सेम है। बस इसके अभी जो सैंपल पेपर है वो अभी आए नहीं है एचएससी बोर्ड के, तो जब सैंपल पेपर आएंगे तो मैं उसके लिए भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी यहां सैंपल पेपर नहीं आया है
महाराष्ट्र बोर्ड के, पर सीबीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर पब्लिश कर दिए हैं। क्लियर हो गया, बाकी सब चीजें सेम ही है। ओके, हो गई महाराष्ट्र बोर्ड की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेई। जेई ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो जेई के लिए उन्होंने क्या बोला है। जेई के लिए कुछ लोग बोल रहे थे या फिर कुछ चीजें आ रही थी कि भाई जेई का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो सिलेबस इसका एज इट इज है। सिलेबस में क्या है, नो रिडक्शन। ठीक है भाई, मतलब जो 2018 में सिलेबस था, 2019 में सिलेबस था जेई का, सेम सिलेबस है। बोर्ड में तो रिड्यूस करा है सिलेबस, जेई में वो भी रिड्यूस नहीं करा है। ठीक है, जेई और नीट के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में सिलेबस में नो रिडक्शन, इसमें भी सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। जो 2019 का सिलेबस था सेम टू सेम सिलेबस फिलहाल अभी एज इट इज है। ठीक है, और एग्जाम डेट डेफिनेटली अभी नहीं आएंगे, क्योंकि जब सीबीएसई के एग्जाम की डेट आएंगी उसके बाद ही जेई और नीट के एग्जाम्स की डेट आएंगी, पर डिले होंगी। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि जो जेई हमारे पास दो अटेम्प्ट थे, अभी तक हम जेई को कितने अटेम्प्ट देते थे, दो अटेम्प्ट होता था, एक जनवरी के टाइम होता था, जून जुलाई में, जो इस बार हमारे सितंबर में हुआ था, दो अटेम्प्ट थे, दो अटेम्प्ट हुए थे। अब इन्होंने बोला है कि हो सकता है कि जेई के दो अटेम्प्ट को हम तीन अटेम्प्ट या फिर चार अटेम्प्ट कर दें, मतलब एक दो अटेम्प्ट हो सकता है ये बढ़ा दें, है ना। अगर जनवरी में इनकेस करते हैं तो ये एक अटेम्प्ट मार्च में भी रख सकते हैं, एक जून में भी रख सकते हैं, एक अक्टूबर में भी रख सकते हैं। इन्होंने बोला है कि दो अटेम्प्ट को बढ़ा के हो सकता है कि तीन या चार अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, और ये तो ऑनलाइन ही होंगे आपके एग्जाम, और सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। और इसके लिए भी अभी कोई हमारा जो पैटर्न है या फिर सैंपल पेपर है वो इशू नहीं करे गए, ना जेई के लिए इशू करे गए हैं, ना नीट के लिए इशू करे गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। इसके लिए अटेम्प्ट बनाने की अभी कोई बात नहीं करी गई है। इसके लिए पहले भी एक अटेम्प्ट था, अभी भी फिलहाल एक ही अटेम्प्ट रहा है। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये है जेई और नीट की बात, और इनकी डेट्स भी अभी नहीं आई है, इनकी डेट्स भी बाद में आएंगी जब इसकी डेट्स आ जाएगी। ठीक है, और एक महाराष्ट्र का एक एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी एग्जाम होता है महाराष्ट्र का, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, स्टेट इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए या फिर फार्मेसी के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली जो सीईटी का एग्जाम होता है वो जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड है उसके बाद ही होता है। तो अब तुम यहाँ से क्लियर कट आइडिया है तुम्हें, जो सीईटी का एग्जाम होगा वो मई के बाद ही होगा, क्योंकि जब मई में इन्होंने बोला है कि मई से पहले बोर्ड होंगे नहीं, चलो मई में बोर्ड होते हैं, तो जो सीईटी का एग्जाम होगा वो मई के बाद ही होगा, आफ्टर मई। तो ये तो क्लियर है हमें कि सीईटी का एग्जाम कब होने वाला है, आफ्टर मई होने वाला है। क्लियर होगी बात। और इसका सिलेबस आप लोग को पता है सिलेबस क्या रहता है, जो सिलेबस इसमें एचएससी बोर्ड का रहता है वही सिलेबस सीईटी का भी रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। इन्होंने रिड्यूस करा है तो इसका भी रिड्यूस सिलेबस ही आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सीईटी किसमें बेस्ड होता है, महाराष्ट्र बोर्ड की जो स्टेट की बुक्स होती है उसमें बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात कुछ सीबीएसई बोर्ड के बारे में, ये होगी महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में, महाराष्ट्र बोर्ड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में, कब होगा, क्या सिलेबस रहेगा, जो यहाँ सिलेबस रहेगा वही यहाँ सिलेबस रहेगा। ठीक है, और जेई के बारे में, जेई का सिलेबस और नीट का सिलेबस का कोई रिडक्शन नहीं करा है, पर हाँ अटेम्प्ट जेई के सिलेबस दो से बढ़ा के हो सकता है तीन या चार अटेम्प्ट कर दें इस साल के लिए, क्योंकि इस साल का आपको पता है कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। और सिमिलरली नीट के अटेम्प्ट बढ़ाए नहीं है इन्होंने, नीट का अटेम्प्ट फिलहाल बोला है कि केवल अभी एक ही अटेम्प्ट होगा, हो सकता है इन फ्यूचर नीट का भी एक से बढ़ा के दो या तीन करवा दें। ठीक है, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है नीट का, अभी फिलहाल एक ही अटेम्प्ट है, और जेई का भी फिलहाल दो ही अटेम्प्ट है, पर इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हम बढ़ाएं और इसको तीन या चार अटेम्प्ट कर दें इस एकेडमिक ईयर के लिए। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी कि एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन कब कब होगा। इसके अलावा कोई फर्दर डिटेल आती है तो मैं आपको डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तब तक आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग को बेनिफिट मिल सकता है उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू।